नमस्कार दोस्तों, आपकी चहेती आयुष स्वास्थ्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें कई सारे मित्रों की रिक्वेस्ट और कमेंट्स आ रही है, हरड का उपयोग कब और कैसे किए इसके बारे में हमें जानकारी दे। तो इस वीडियो में हम ऋतु अनुसार हरड का उपयोग कब और कैसे करेंगे तो वो असरदारक होगी इसके बारे में जानेंगे। रोगों को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखने वाली औषधियों में हरड़ सर्वश्रेष्ठ है। यह त्रिदोष नाशक बुद्धि, आयु, बल व नेत्र ज्योति वर्धक, उत्तम अग्नि दीपक व संपूर्ण शरीर की शुद्धि करने वाली है। विभिन्न प्रकार से उपयोग करने पर सभी रोगों को हरती है। चबाकर खाई हुई हरड़ अग्नि को बढ़ाती है। पीसकर खाई हुई हरड़ मल को बाहर निकालती है। पानी के साथ उबालकर खाई हुई हरड़ दस्त को रोकती है और घी में भूनकर खाई हुई त्रिदोष का नाश करती है। भोजन से पहले हरड़ को चुस्त कर लेने से भूख बढ़ती है। भोजन के साथ खाने से बुद्धि, बल व पुष्टि में वृद्धि होती है। भोजन के बाद सेवन करने से अन्नपान संबंधी दोषों को व आहार से उत्पन्न वाली बिन उपयोगी वात, पित्त और कफ को तुरंत नष्ट कर देती है। सेंधा नमक के साथ खाने से कफ जन्य, मिश्रित के साथ खाने से पित्त जन्य, घी के साथ खाने से वायु जन्य तथा गुड़ के साथ खाने से समस्त व्याधि को दूर करती है। हरिताकी एक प्रभावी औषधि भी है। इसके गुणों का लाभ लेने के लिए विभिन्न ऋतु में उसका सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में शक्कर के साथ, हेमंत ऋतु में सौंठ के साथ, शिशिर ऋतु में पीपल के साथ और वसंत ऋतु में शहद के साथ। हरिताकी पेट की बीमारियों के साथ और भी बहुत सारी बीमारियों में भी लाभ पहुंचाती है। हरड़ खाने से कुछ लाभ इस तरह के हैं। हरड़ की बनी गोली का सेवन करने से भूख बढ़ती है। हरड़ का चूर्ण खाने से कब्ज से छुटकारा मिलता है। उल्टी होने पर हरड़ को शहद के साथ सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। हरड़ को पीसकर आंखों के आसपास लगाने से आंखों के रोगों में छुटकारा मिलता है। भोजन के बाद अगर पेट में भारीपन महसूस हो रहा हो तो हरड़ का सेवन करने से राहत मिलती है। हरड़ का सेवन लगातार करने से शरीर में थकावट महसूस नहीं होती है और स्फूर्ति बनी रहती है। हरड़ का सेवन गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। हरड़ पेट के सभी रोगों से राहत दिलवाने के लिए मददगार साबित हुई है। हरड़ का सेवन करने से खुजली जैसे रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर शरीर में घाव हो जाए तो हरड़ से उस घाव को भर देना चाहिए। धन्यवाद।